बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। असाइनमेंट नंबर 1 MTA 304 स्प्रिंग 2023। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आइडिया सोल्यूशन दूंगा। असाइनमेंट अपलोड करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर रहे थे या कमेंट्स भी कर रहे थे। वो इसलिए नहीं था कि एक तो आप स्टूडेंट्स कोई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आपको बस सलूशन चाहिए होता है, आपको सलूशन मिल जाता है, या तो फिर कोई एक स्टूडेंट उसको कॉपी करके लिख लेता है, फिर उसको टाइप करके फैला देते हैं उधर उधर ग्रुप्स के अंदर। तो इससे तो नहीं चलता ना। आपको ये पता होना चाहिए कि एक असाइनमेंट बनाते हो, उसको टाइप करते हो, कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, कितनी मेहनत लगती है। क्वेश्चन को देखें, उनको सॉल्व करें, उनको समझें। तो बिल्कुल भी आप जितने भी वीडियो के स्टूडेंट कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम तो हमारा दिल भी नहीं करेगा कोई असाइनमेंट बनाए, उनको सॉल्व करें, उसको अपलोड करें। बहरहाल देख लें। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे टेक्स्ट किया कि सर ये असाइनमेंट काइंडली अपलोड कर दें। तो मैं अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात तकरीबन 2-2:30 बजे तक मैं इसको बनाता रहा हूँ और इसको सॉल्व करके सोया था। बस ये देख लें कि अगर एक टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो आपका भी हक बनता है। तो चैनल को उसको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलें, अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 22 मई 2023 है, और ये लेक्चर नंबर 1 से 14 तक है, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपने अपने असाइनमेंट को प्रॉपर LMS के थ्रू ही सबमिट करवाना, ईमेल वगैरह आपने नहीं करनी। और इसके बाद ये आपके इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ना कि ये ग्रुप वाइज असाइनमेंट है। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आपने खुद बनानी है, किसी से लेकर आपने सबमिट नहीं करवानी, वो कॉपी पेस्ट आएगा, फिर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आपने अपनी असाइनमेंट को MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही बनाना है और सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एंड द एंगल विच इट्स मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फोर्सेज आर शो इन द फिगर बिलो। एक तो इसके अंदर हमने रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद तो जो फोर्सेस एंगल बना रही हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हमने एंगल फाइंड आउट करना है। इस फिग के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर जो हमें एंगल दिया गया है वो 40 डिग्री है, और जो फोर्स दी गई है वो 20 न्यूटन है। मतलब θ1 40 है और F1 हमारे पास 20 न्यूटन है। इसी तरह अगर सेकेंड के अंदर हम देखें, ये यहाँ पर जो हमें एंगल दिया गया वो 60 डिग्री है और फोर्स हमें 40 न्यूटन दी गई है। थर्ड के अंदर अगर हम देखें जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री है और फोर्स 10 न्यूटन है। और इसी तरह फोर्थ के अंदर जो फोर्स हमें दी गई है वो 30 न्यूटन और एंगल भी 30 डिग्री ही बन रहा है जी। तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें, थीटा हमें दिया गया θ1 40 डिग्री और F1 हमें क्या दिया गया है 20 न्यूटन। इसी तरह हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे और फिर वाई एक्सिस के थ्रू फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, F(x1) हमारे पास हो जाएगा F1 cos θ1। ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर जो हमें फोर्स दी गई और एंगल दिया गया इनको पुट करेंगे, ठीक है, F1 की जगह 20 न्यूटन आ जाएगा और एंगल जो हमें दिया गया है थीटा वो क्या है θ1 40 डिग्री है। तो वैल्यू पुट करेंगे, cos 40 डिग्री हमें क्या देता है 0.7660 देता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 20 न्यूटन के साथ, तो हमें F(x1) की वैल्यू क्या मिलेगी 15.320 न्यूटन। और इसी तरह हम F(y1) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस क्वार्टाइल के अंदर, ठीक है ना। पहले हमने एक्सेस के थ्रू फाइंड आउट की, अब हम वाई एक्सेस के थ्रू इसको F(y1) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, F(y1) इज इक्वल टू हो जाएगा F(1 sin θ1) वैल्यू जो दी गई है थीटा की, और इसके बाद F(1) की वो पुट करेंगे इसके अंदर, और sin 40 डिग्री हमें क्या देते हैं 0.6427 देता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको 20 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो F(y1) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12.86 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है।
अब हम चलते हैं सेकंड क्वार्टाइल के अंदर। इसके अंदर जो फोर्स हमें दी गई है वो 40 न्यूटन है और एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब हमने जाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो पूरा सर्कल होता है हमारे पास ये 360 डिग्री का बनता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री की है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 60 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। F2 हमें दिया गया है सेकंड क्वार्टाइल के अंदर 40 न्यूटन, तो F(x)2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F2 cos थीटा 2, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 40 न्यूटन cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री हमें देता है माइनस 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 न्यूटन से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह F(y)2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकंड क्वार्टाइल के लिए, साइन आएगा इसके अंदर वाई के लिए, तो फोर्स F2 हमें दी गई है 40 न्यूटन और थीटा 2 हमें दिया गया 120 डिग्री, इसको 40 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 120 डिग्री का आंसर आएगा साइन के लिए। तो F(y)2 हमें क्या मिलेगा, 34.64 न्यूटन। अब हम आते हैं थर्ड क्वार्टाइल के अंदर। इसी तरह हमने अगर जिस तरह सर्कल की बात कर रहे थे, ये सीधी लाइन हमें क्या देती है, 180 डिग्री देती है। अगर थर्ड क्वार्टाइल के अंदर आ जाएंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 270 डिग्री। 270 में से हम क्या माइनस करेंगे, 50 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड के लिए 270 में से 50 डिग्री को हमने किया माइनस, तो हमें थीटा 3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 220 डिग्री, ठीक है। और फोर्स जो हमें दी गई है थर्ड क्वार्टाइल के लिए वो 10 न्यूटन है, तो F3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F(x)3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए, F3 की जगह 10 न्यूटन और थीटा 3 की जगह आ जाएगा 220 डिग्री, ठीक है। 220 डिग्री का हमें क्या देता है, माइनस 0.7660, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 न्यूटन के साथ, तो हमें F(x)3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7.660 न्यूटन। और इसी तरह F(y)3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थर्ड क्वार्टाइल के लिए, ठीक है, तो हमारे पास F(y)3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6.4278 न्यूटन आ जाएगी। अब अगर हम फोर्थ क्वार्टाइल की बात करें, ठीक है, इसी तरह ओरिजिन से अगर हम चलते हैं, ये पूरा सर्कल जो हमारे पास बनता है, तो पूरे सर्कल में से हम क्या करेंगे, 360 में से 30 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थीटा 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थीटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 330 डिग्री। और इसके बाद जो हमें फोर्स दी गई है फोर्थ क्वार्टाइल के लिए वो 30 न्यूटन है, उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, F(x)4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाती है, 25.98 न्यूटन। और वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे F(y)4 के लिए फार्मूला का यूज़ करते हुए, फोर्स F4 की और थीटा 4 की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, और इसके बाद F(y)4 हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 15 न्यूटन। अब हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमने फोर्सेस फाइंड आउट किए हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, इनका सम निकालेंगे, ठीक है, F(x)1 प्लस F(x)2 प्लस F(x)3 प्लस F(x)4, ठीक है। इनका जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्टेंट ये फोर्स मिलती है हमें, वो इनका सम जो हमारे पास है 13.64 न्यूटन आ जाता है। और इसी तरह हम आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमने वाई के अकॉर्डिंग F(y)1 F(y)2 F(y)3 F(y)4 की वैल्यू जो फाइंड आउट की है इनका सम निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाता है, आर वाई इज इक्वल टू 26.072 न्यूटन। अच्छा, इसके अंदर अगर कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक हो तो आपने इसको ज़रूर देख लेना है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से इसको किया है, कोशिश की है, बहरहाल बाज़ूकात कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक भी हो जाती है। तो आगे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, आर वो हमारे पास होती है आर स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया आर एक्स की, और इसी तरह आर वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है वो आ जाती है 29.42 न्यूटन। अगली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो एंगल था,
चूँकि हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ना आर वाई ओवर आर एक्स, जो अभी हमने आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, और इसी तरह हमने आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, इनका हमने चूज़ करना है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स नाट कह लें या फिर थीटा नाट कह लें, वो हमारे पास क्या आ जाता है 62.38 डिग्री आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, इसके भी 10 मार्क्स हैं। फोर कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड ए एन 20 न्यूटन 30 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट एट अ फिक्स पॉइंट ओ एंड आर इन इक्विलिब्रियम, द एंगल दैट द फोर्सेस मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, उसने जो हमें डिग्री दी और रिस्पेक्टिवली हर एक फोर्स के लिए, ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगली हमें जो दी हुई डिग्री है वो 120 है, फिर 240 है और फिर 310 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए, हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये कि ये फोर्स कितनी लग रही है ये हमने फाइंड आउट करना है ए, और उसके बाद ये डिग्री कौन सी बन रही है एक्स की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर हम इसको कह लें कि एफ़ वन हमारे पास है ए एन, और इस तरह ये हमारे पास एफ़ टू होगी, एफ़ टू इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, और इसके बाद एफ़ थ्री हमारे पास होगी 30 न्यूटन, एफ़ फोर हमारे पास होगी 10 न्यूटन। इसको अगर हम थीटा वन कह लें वो हमारे पास है, इसको हम अगर हम एक्स नाट कह लें जो हमने फाइंड आउट करना है, और थीटा टू हमारे पास 120 डिग्री है, थीटा थ्री हमारे पास 240 डिग्री है, थीटा फोर हमारे पास 310 डिग्री है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, जब उसने बात की है द फिक्स पॉइंट ओ एंड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है इन इक्विलिब्रियम देन द रिजल्टेंट फोर्स, जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके इक्वल हम लिखेंगे, जीरो के इक्वल लिखेंगे। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तो आर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। मतलब जो एक्स एक्सिस के अलांग जो भी फोर्सेज होंगे ना उनका जो सम होगा उसको हम जीरो को इक्वल लिखेंगे। इफ़ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो हम इनका जो सम आएगा हमारे पास एफ एफ एक्स वन कास थीटा वन प्लस एफ एफ एक्स टू कास थीटा टू प्लस एफ एफ एक्स थ्री कास थीटा थ्री प्लस एफ एफ एक्स फोर कास थीटा फोर इज इक्वल टू जीरो को इक्वल लिखेंगे, ठीक है। अब हमने फोर्सेज का यूज़ करना है और ये जो एंगल हमें गिवन है इनका हमने यूज़ करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया, इनकी वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है कॉस एक्स नॉट ए माइनस टेन माइनस फिफ्टीन प्लस 6.4278 इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये कि कॉस 120 डिग्री का हमने वैल्यू निकाली, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह कॉस 240 डिग्री की वैल्यू निकाली 30 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह इसकी भी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर वन का नेम दे दिया। अब सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास किस डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन में थी ये फोर्सेस। अब हम वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका जो समीशन है वो इज इक्वल टू लिखेंगे जीरो के इन इक्विलिब्रियम, देन द रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ आर वाई इज इक्वल टू जीरो। इफ़ आर वाई इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास तो इनका जो सम होगा, जो इंट्रैक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन के जो फोर्सेज होंगे उनका जो सम होगा वो जीरो के इक्वल लिखेंगे। अब हमने वही यूज़ करना है, ये जो हमें फोर्सेज दी गई हैं और इसके बाद जो हमें एंगल दिए गए हैं इनका हमने इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ए साइन एक्स नाट माइनस 16.32 इज इक्वल टू जीरो, इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन टू का। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स की और ए की, अब क्या करते हैं इक्वेशन वन पे डिवाइड करते हैं इक्वेशन टू को, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, जब हमने डिवाइड किया तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स नाट ओवर काज एक्स नाट साइन ओवर काज हमें क्या दे रहा है टेन देता है, तो ये टेन एक्स नाट इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.8788। तो हमने एक्स नाट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जब आप इसको एक्स कह लें, ठीक है, तो एक्स नाट इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 0.8788, तो एक्स नाट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका इनवर्स लेंगे टेन, ये आ जाएगी 41.30, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है
इसका हम यूज़ करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए। आप किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, या तो आप इक्वेशन वन के अंदर भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स नॉट की, या फिर इक्वेशन टू के अंदर भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन वन के अंदर इसकी वैल्यू पुट की है एक्स नॉट की जगह, ये जो वैल्यू हमने निकाली है 41.30 ये पुट की है, और इसके बाद थोड़ा सा इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया है। किस तरह किया है, ये -18.757 इसको मैंने शिफ्ट किया राइट जानब, ये नेगेटिव था राइट जानब जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर वैल्यू देखी हमने काज की, 41.3 हमें क्या देता है, 0.7512 देता है। ए की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी थी तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड जानब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ए क्या आ जाता है, 24.72 न्यूटन, ये इसकी ए की वैल्यू आ जाती है। तो अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसको लाजमी डिस्कस करना है, चूँकि बाज़ूकात तो टाइप करते हुए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आपने इस चीज़ का इस चीज़ को अच्छी तरह देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपनी राय देनी है। तो ये थी हमारी MTH 304 के असाइनमेंट नंबर 1, इसका आइडिया सोल्यूशन। अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पेड सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।